चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, देख लेते हैं। x-3 2x+1 लिखते हैं, x-3 और 2x+1 लिखना है इसमें, 2x+1 लिख लेते हैं, 1 मिनट, 2x+1। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2x+1, ये हो गया 2x+1 हो गया। इक्वल टू के बाद देखिए क्या दिया है, इक्वल टू के बाद दिया है इसमें कि x इंटू x प्लस वन, तो लिखा जाएगा x इंटू x प्लस वन, यही ना, x प्लस फाइव था, देखिए 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इंटू किया जाएगा, इस वाले टर्म को, इसको भी इंटू किया जाएगा। इंटू करने के बाद उसको सिंपल करेंगे, सिंपल करके LHS में लाएंगे, LHS में लाने के बाद से RHS में जीरो हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी द्विघात समीकरण होगा। चलिए देखिए, देखते हैं इसको, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे डायट इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से लिखिए थोड़ा नीचे से ताकि सबका सोल्यूशन हो जाए, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से लिख लेते हैं डायट इम्प्लाइज, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्स, एक्स को कॉमन कर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2x+1 हो गया, इधर 3 को कॉमन करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -3 है आपका, 2x+1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए आप, प्लस 5 में एक से इंटू कीजिएगा तो ये 5x हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स में एक्स से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, होगा ना, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस प्लस है तो प्लस लिखिए पहले, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स 1 जाए एक्स हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर होगा, आगे 2 है आपका, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसको इंटू कीजिएगा तो -6 होगा, -6x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस क्या 5x हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, इधर वाला पहले सिंपल कर लीजिए जितना सिंपल हो सके, तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो होगा एक्स 2x² है, तो 2x² तो इधर है नहीं, तो वैसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है, तो इसको 2x² वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, एक्स में से 6x घटाएंगे तो -5x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -5x और -3 इक्वल टू, ये हो गया 5 कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस कितना दिया है 5x दिया है ना। अब क्या कीजिए, 2x², ठीक है, इधर से एक्स स्क्वायर वाला खींच दीजिए, जब LHS में एक्स स्क्वायर लाइएगा तो ये आपका माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, क्यों, इसके आगे प्लस का साइन है, ओके, अच्छा -5x ये वाला, ठीक है, -5x, तो यहाँ लिखेंगे -5x, ये प्लस में है, इसको भी इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा, ठीक है, ये -3 है, उसको भी लिख दीजिए -3 इक्वल टू क्या 0, तो हमारा बन गया रिजल्ट क्या, एक्स स्क्वायर, यानी 2 को x² में से 1 को x² घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x² आएगा, और -10 5x -5x तो -10x हो जाएगा, -10x -3, ये -3 है,
माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है यहाँ पे है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया तो इसको कहेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यह द्विघात समीकरण है। नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे सारे बच्चे, इसे नोट कीजिए। सारे बच्चे इसे नोट करेंगे। नोट कीजिए, एक मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो जहाँ आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा उसको बोल देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए, तो अब सिर्फ इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण समीकरण है, ठीक है ना, लिख लेंगे। एक लाइन में लिखिएगा, अब मैं 10 लाइन आप लोग को एक लाइन में लिखना है, अतः यह द्विघात समीकरण 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 है, द्विघात समीकरण है, हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अभी कौन सा क्वेश्चन ये चल रहा था आपका, अभी आपका अच्छा 4 चल रहा था। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा। 2x-1 × x-3 2x-1, तो लिख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन 2x-1 वन का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वन का क्वेश्चन नंबर 5 2x-1 2x-1 और क्या बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में, 2x-1 × x-3 ये ना, तो इंटू लिख देंगे x-3 इक्वल टू के बाद क्या है देख लेते हैं, इक्वल टू के बाद है x+5 × x-1 तो ये हो गया x+5 × x-1 ठीक है, x+5 × x-1 ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो वही कंसेप्ट आ गया। इसके पहले मैंने बताया था कि इसको इंटू कीजिए, पहले तो इंटू करना होगा आपको, ठीक है। तो वही प्रोसेस यूज करेंगे कॉमन वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन वाला यूज करने के लिए, ठीक है, लिखते हैं, लिखेंगे कि 2x को कॉमन किया जाएगा, ठीक है। 2x को जब कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 2x को कॉमन कीजिएगा, 2x को, ठीक है, 2x को जब कॉमन कीजिएगा तो इंटू किस में कीजिएगा, x-3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा x-3। 2x तो कॉमन हो गया, बचा क्या, -1, तो -1 को आप कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 और इधर हो गया x-3 इक्वल टू के बाद क्या बच गया यहाँ पे x, इक्वल टू के बाद x को कॉमन कीजिए
और किस में इंटू करना है, एक्स प्लस वन में। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन में इंटू कर देंगे, प्लस फाइव हो गया, इधर भी हो जाएगा। एक्स प्लस वन नहीं है जी, एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन में इंटू करना है। ओके, तो एक्स माइनस वन और यहाँ पे बच गया प्लस फाइव, क्योंकि एक्स तो कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस क्या वन, एक्स माइनस वन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x में x से जब इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 में x, 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, और x है ऑलरेडी तो x को यूज कर दिया जाएगा तो 6x हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ का, ओके, तो x में वन से गुणा करेंगे तो x वन जाए x हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, थ्री वन जाए क्या हो जाएगा थ्री, तो यहाँ पे प्लस थ्री हो गया इक्वल टू। अब इधर वाले को सॉल्व कीजिए, x में x से इंटू करेंगे तो x होगा, होगा आ इंटू x में वन से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन मिनट, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x में वन से गुणा कीजिएगा तो वन मिनट, पहले माइनस से तो माइनस लिखिए, एक्स हो जाएगा प्लस, फाइव में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स होगा, होगा अब माइनस फाइव पहुँच जा फाइव, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कीजिए इधर वाले को अगर, ठीक है, और इधर वाले को भी सिंपल कीजिए, तब क्या कीजिए उसको LHS में लाइए, ठीक है। तो चलिए लाते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, माइनस सेवन एक्स, क्यों, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस वन एक्स, माइनस सेवन एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और प्लस क्या बच गया थ्री, तो लिख देंगे प्लस थ्री इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, माइनस एक्स प्लस क्या फाइव एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस फोर एक्स, प्लस कितना हो गया फोर एक्स, अब प्लस कितना तो फाइव हो गया। आप ध्यान दीजिए, अब टू एक्स स्क्वायर ये प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ले लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से x वाला उठाइए तो ये हो जाएगा माइनस सेवन एक्स, आई इधर से खींचिएगा LHS में तो ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री पहले से है, फाइव को इधर खींचिएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब इसको सॉल्व करके लिख देना है, अब देखिए दो गो एक्स स्क्वायर में से एक गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कौ गो एक्स स्क्वायर बचेगा, वन एक्स स्क्वायर मतलब एक गो एक्स स्क्वायर बचेगा, अब माइनस सेवन एक्स, माइनस लिखेंगे ऐड करेंगे तो माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर एक्स, माइनस इलेवन एक्स हो जाएगा, तो वही लिखा के माइनस इलेवन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिए, थ्री में से फाइव हटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस नीचे लिखेंगे क्या, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और हिंदी वाले लिखेंगे क्या, यह द्विघात समीकरण है, मैं अभी लिख भी दे रहा हूँ, पहले नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए, सारे बच्चे नोट करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट नहीं है, डाउट होगा कहाँ, एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे क्या होगा, एक एक समझा रहा हूँ, इसमें डाउट वाली कोई संभावना ही नहीं है।
क्योंकि मेरे क्लास के लेक्चर में किसी बच्चे को डाउट नहीं होता है, वो पूछ ही नहीं सकता कि सर ये कहाँ से है। क्यों? मैं इतना बता देता हूँ कि उसको पूछने का मौका ही नहीं देता हूँ। नोट कीजिए, बस आपको लिखना है यह द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अभी 5 चल रहा है, आप 6 चलेगा, 7 और 8। हो गया? चलिए देखिए, हो गया तो आगे देखते हैं। अब इसको लिख देना है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, इसको लिख देना है, बस हो गया। चलिए अब देखना है हमको 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि x² + 3x = x - 2² यही ना है। तो x² + 3x लिख लेते हैं इसको, x² + 3x। चलिए लिखते हैं 1 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है x² + 3x + 1 इक्वल टू, देख लेते हैं क्या इक्वल टू दिया है x - 2² तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2² ओके। चलिए देखिए x - 2² तो इधर वाला तो सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहेगा, बस सॉल्व करना है RHS वाले पार्ट को। ओके, इसको वैसे ही लिखते जाएंगे। देखिए कैसे लिख रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे क्या कि इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कर रहा हूँ, डैट इम्प्लाइज x² और प्लस क्या 3x और प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, क्यों स्क्वायर है तो x - 2 इंटू हो जाएगा क्या x - 2 हो गया। अब इधर वाला तो वैसे ही चलेगा कि x² + 3x + 1 वैसे ही चलेगा, इधर x को कॉमन कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x को कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन करेंगे और x - 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे -2 बच गया, -2 को कॉमन कर लीजिए, -2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2। हाँ मुझे मालूम है कि आपसे सब बन जाएगा, ठीक है, फिर भी बनाने का कॉन्सेप्ट सीखिए। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा, ठीक है, अभी 1 वाला ख़त्म हो जाए उसके बाद से 2 देखा जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाला पार्ट आपका वही रहेगा x² + हो गया आपका 3x आप प्लस क्या 1 इक्वल टू, इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब इंटू कर दीजिएगा तो ये x² हो जाएगा आप प्लस, x में 2 से गुणा प्लस कर रहा हूँ, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, क्यों यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ओके। तो ये हो जाएगा -2 में x से गुणा कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x, ठीक है, -2 में x से गुणा कीजिएगा तो ये भी 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 या हो जाएगा 4, हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आगे देखिए, इधर वाला टर्म वैसे ही लिखाएगा अभी, क्यों वो तो सॉल्व होगा नहीं। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था
कि इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम साइन हो और नंबर सेम हो तो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपका रिमूव हो गया, तो मेरे पास इधर बच क्या गया, थ्री एक्स प्लस वन बच गया। तो इसको लिख देंगे 3x+1 इक्वल टू इधर -2x+4, तो -2x -2x -4x हो गया, अब प्लस हो गया कितना 4 हो गया। डैट इम्प्लाइज ये 3x हो गया, ये माइनस में है, जब इधर लाइएगा तो ये प्लस में 4x हो जाएगा, +1 -4। यानी ये आपका रिजल्ट आ गया क्या, रिजल्ट आ गया क्या कि 3x और 4x मिलाकर जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा। आप 7x आप 1 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -3 = 0। जब इस टर्म का आ गया तो हम कह देंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नोट कीजिए। पहले सभी बच्चे नोट कर लेंगे, मैं एक मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कीजिए इसको बढ़िया से। एक एक करके पहले कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे को आ जाएगा, पर बनाने का प्रोसेस सीखिए कैसे बनाना है। बहुत सारा कंसेप्ट इसमें आपको मिलेगा। एक तो कॉन्सेप्ट आपने ये सीखा कि दोनों तरफ सेम नंबर हो, सेम साइन हो तो उसको काट सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बनाने का तौर तरीका भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे बन रहा है। हो गया। अब 1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, चलिए देखते हैं 1 का क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7। बस इसको पहले लिख देते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है, लिख लेना है, बढ़िया से लिख लीजिए। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया। चलिए अब देखना है 1 का 7 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं 1 का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। चेक कीजिए, करें कि यहाँ पे कि x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x (x²-1), ठीक है, x²-1। चलिए देखते हैं इसको, x²-1 सॉल्व कर लेते हैं इसको, x+2 का होल क्यूब। चलिए लिख लेते हैं x+2 का होल क्यूब। वन का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 का 7 नंबर क्वेश्चन है आपका x+2 का होल क्यूब इक्वल टू के बाद क्या है देख लीजिए, इक्वल टू के बाद है आपका 2x(x²-1)। तो लिख लेते हैं 2x(x²-1)। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसको 3 times लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको 3 बार लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे power 3 दिया हुआ है, 3 बार जो है हम लोग इंटू के फॉर्म में इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे कि x+2 एक बार हो गया, फिर लिखा जाएगा x+2 दो बार हो गया, फिर एक बार इंटू के फॉर्म में लिखा जाएगा x+2 इक्वल टू, इसको इंटू कर ही दीजिए, इंटू कर दीजिएगा तो क्या आएगा 2x³ आएगा, और माइनस है तो माइनस, ओके
और 2x में 1 से इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसको इंटू करते जाइए, x को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। x को जब कॉमन कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका जो आ जाएगा, वन मिनट, x को कॉमन कीजिए, इसमें इंटू कीजिए, तो ये x प्लस टू हो गया। इस टू को कॉमन कर लीजिए, प्लस टू को कॉमन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस टू, हो गया। अब x प्लस टू हो गया। अब देखिए इसको वैसे ही रहने दीजिए, किसको ऐसे कर लीजिए, आ इसको जो है बाहर आने दीजिए, x प्लस टू इसको बाहर आने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वन मिनट, थोड़ा इसको बेटर ढंग से लिखूँ, अच्छा से नहीं लिखा है। देखिए एक बात मैं बता दूँ आपको, ये कि आप जो है इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, फार्मूला पे भी सेट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। कितने बच्चे समझते होंगे कि सर इतना लंबा बना रहे हैं, लंबा इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला याद न रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, ओके। चलिए तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स को कॉमन कर लेंगे, और किस में इंटू करना है, इसमें करना है, इंटू कीजिए, एक्स प्लस टू हो गया। प्लस टू को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू कॉमन हो जाएगा, और फिर एक्स प्लस टू में इंटू हो जाएगा, हो गया। ये वाला तो हो गया, पर ये वाला जैसे है वैसे ही लिख देना है, इंटू एक्स प्लस टू वैसे ही लिख देना है। इक्वल टू के बाद ये वाला तो वैसे ही लिखाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो ये वाला जो टर्म होगा आपका, ठीक है ना, ये वाला, ये 2x क्यूब माइनस 2x, ये वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डायट इम्प्लाइज, इसको इंटू कर दीजिएगा तो क्या होगा, इसको इंटू कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन दे दीजिए, 2 में x से इंटू कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 में x से इसको इंटू कीजिएगा तो ये भी आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, प्लस प्लस जोड़िएगा तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, अब 2 जा हो जाएगा 4, प्लस होगा, और 2 जा हो जाएगा 4, तो प्लस हो गया आपका क्या, 4, ओके। यहाँ तक ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू कर रहा हूँ, इतना हो गया। इसको ब्रैकेट में रखिए, और फिर इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको वन मिनट, अब ब्रैकेट अच्छे से लग गया, और एक्स प्लस टू है वैसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू ये वाला टर्म वैसे ही रहेगा, 2x क्यूब और माइनस 2x ये वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए करेंगे क्या, इसको पहले लिख देंगे या x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले लिखिए चाहे x से मल्टीप्लाई, x से x कॉमन कर लीजिए, और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, वन मिनट सिंपल कर ही लीजिए, सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x कितना होगा, 4x होगा, इन होगा, तो इसको लिख ही लेते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, वन मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2x 4x हो जाएगा, होगा ना, 4x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या, 2x क्यूब माइनस 2, हो गया।
अब x को कॉमन कर लीजिए, जो छोटा वाला नंबर होता है ना जिसमें कम टर्म होते हैं उसी को कॉमन करते हैं हम लोग। इसको कीजिएगा तो तीन बार गुणा करना पड़ेगा, तो उसी को कॉमन x को कॉमन कर लीजिए, x को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x इंटू क्या, इसमें मल्टीप्लाई करना है पूरे वाले में, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस कितना फोर हो गया। फिर x कॉमन कर लिए तो बच गया प्लस टू, तो प्लस टू को कॉमन कर लीजिए, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर ठीक है ना, और प्लस फोर एक्स और प्लस टू, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो इसको इक्वल टू के बाद इस टर्म को लिख देना है, यानी लिख देंगे क्या टू एक्स क्यूब माइनस टू, इक्वल टू के बाद लिखेंगे, इक्वल टू के बाद टू एक्स क्यूब माइनस टू लिख देंगे। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, बहुत आसान है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना, बहुत आसान है कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा नहीं होगा। नोट कीजिए, मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कीजिए इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर टू आप लोग जो है बनाएंगे, मैं एक और बचा हुआ है वन का एट नंबर, मैं उसको बता दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें अगर आपसे बनता है तो बनाएंगे, और कल से मैं क्वेश्चन नंबर टू में बताऊंगा, ठीक है नोट कीजिए। सारे बच्चे नोट करेंगे, हाँ मैं रुका हुआ हूँ, नोट कीजिए आप आराम से नोट कीजिए। हो गया, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नहीं हुआ नोट कीजिए। हाँ ये लास्ट वाला बोल रहे हैं, लास्ट में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, और जो लास्ट में लिखा हूँ टू एक्स क्यूब माइनस टू, मतलब ये वाला टर्म लिखाते चल रहा है ठीक है, वही चीज़ लिखा गया, स्पेस नहीं था तो मैं वहाँ पे लिख दिया, हो गया। चलिए अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, ठीक है चलिए देखते हैं। वन मिनट, थोड़े इसको हटा दिया जाए, हटा देंगे तो थोड़ा स्पेस बन जाएगा ठीक है। चलिए तो इनटू करते जाएंगे एक्स, अब देखिए मैं इनटू कर रहा हूँ एक्स में, इसे इनटू कीजिएगा, ये वाला टर्म क्यों मिटक गया, ये गया कहाँ, अभी तो था, वन मिनट देख रहा हूँ, अभी तो हम लोग लिखे हैं, वन मिनट वेट कीजिए मैं देख रहा हूँ कहाँ। चलिए देखिए नोट कर लिया है ना, चलिए हमें याद है, मैं लिख रहा हूँ मतलब देखा हूँ उसको, कहीं चला गया, ध्यान दीजिए देख लेते हैं उसको। हमारा यही ना था कि x इंटू वन मिनट, एक कहाँ से इसमें आ जा रहा है x इंटू ठीक है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस, फोर एक्स प्लस कितना था, फोर एक्स प्लस फोर था, फोर एक्स प्लस फोर था जी, क्या था x प्लस टू, वन मिनट थोड़ा चेक कर लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक से गुणा करूँगा प्लस टू एक्स, हाँ फोर एक्स प्लस फोर था। चलिए देखिए आ तो गया, मैं खो ही रहा था उसी समय से, आ भी गया। चलिए
अभी मैं वहाँ से सर्व कर रहा हूँ, ओके। ये आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ तक, ठीक है ना, इरेज कर देता हूँ यहाँ तक, आवश्यकता नहीं है इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ, लिखने में भी सही रहेगा, ओके। चलिए देखिए, अब इसको गुणा कर लीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x में 2x से, x में x स्क्वायर से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो बन जाएगा x क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब लिख देंगे, x क्यूब हो गया। प्लस है तो प्लस लिखा जाए इसको, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस, ठीक है ना। x में 4x से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4x स्क्वायर हो गया। फिर देखिए 4 में x से गुणा कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4x। दूसरे वाला में 2 से गुणा करना है, यही ना, तो 2 से गुणा करना है, चलिए प्लस, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 8x, तो यहाँ पे लिख देंगे 8x हो गया 8x, अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस हो गया 4, और हमारे पास क्या है 2x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू के बाद है 2x क्यूब माइनस 2, ये ना है, हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायट इम्प्लाइज का साइन यूज होगा, देखिए x क्यूब, तो x क्यूब वो ऐसे ही लिखिए, x स्क्वायर इधर 4 गो, x स्क्वायर इधर 2 गो, 4 गो x स्क्वायर, 2 गो x स्क्वायर, 6 गो x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, हो गया। अब देखिए 4x इधर है, 8x इधर है, 4x और 8x कितना हो जाएगा 12x, तो ये हो जाएगा आपका 12x, हो गया। x वाला भी हो गया, x क्यूब हो गया, x स्क्वायर हो गया, x वाला भी हो गया। अब नंबर में क्या मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है, प्लस क्या 4, ठीक है, प्लस 4 हो गया, इक्वल टू, इक्वल टू के बाद ये 2x क्यूब माइनस 2 है, 2x क्यूब और 2x क्यूब माइनस 2 था, देख लेता हूँ अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x है, माइनस क्या है 2x होगा, माइनस 2x यहाँ पे x होगा, ओके, यहाँ पे जो होगा आपका वो x भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 2x, क्यों 2x से गुणा किया जा रहा है, तो देखिए करेंगे क्या, x क्यूब ये वाला इधर से खींच लीजिए, x क्यूब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब, हो गया माइनस 2x क्यूब। आप देखिए प्लस 6x स्क्वायर, ये 6 ये तो लिख लिया था, आप इसको लिखेंगे तो ये तो है नहीं टर्म इधर वाला में, नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे, अब x वाले को लिखेंगे प्लस 12x, और इधर है माइनस 2x, तो इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, होगा इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा तो 0, तो देयर फोर हमारा आ गया कि x क्यूब, इसको घटाइएगा तो माइनस x क्यूब आएगा, एक x क्यूब में से 2 को इस x क्यूब घटाइएगा तो माइनस x क्यूब आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, हो गया प्लस 6x स्क्वायर, वैसे ही लिख देंगे, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 14x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1414x इक्वल टू, और 4 कहाँ गया इसका, 4 अभी नहीं लिखे हैं, 1 मिनट इसको लिख दिया जाए, इसको भी
वन मिनट रुकिए, फोर लिखे नहीं, प्लस फोर इक्वल टू जीरो, प्लस फोर इक्वल टू के बाद से जीरो। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया प्लस ये एक ही टर्म है, बाकी तो इधर एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको ऐड कीजिएगा ट्वेल्व प्लस टू, तो ये हो जाएगा फोर्टीन एक्स, ठीक है, प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, जो कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स क्यूब आ गया हाईएस्ट पावर में, एक्स क्यूब आ गया, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दूसरा कलर से मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर वन का सेवन, और इंग्लिश वाले इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे और वो लिखेंगे क्या, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो लोग ऐसे लिखेंगे, नोट कीजिए, सारे बच्चे नोट करेंगे इसको। अब लास्ट क्वेश्चन वन का एट बचा है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। आप लोग का होमवर्क यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो टू है, ठीक ना, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा एग्जांपल का भी हेल्प लेकर, अगर नहीं बनेगा ऐसा कीजिए क्वेश्चन नंबर टू मत बनाइए, ये जो मैंने बताया इस ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जांपल में बने हुए हैं उसको बना कर लाइए, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम्पल तो कोई पढ़ता नहीं है, बस क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन बना हुआ है वही क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। इसके बाद इसको नोट हो जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वन का एट नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको कल देखा जाएगा, नोट हो गया, सारे बच्चों का माइनस टू एक्स लिखा हूँ, माइनस टू एक्स यहाँ पे ना, माइनस टू एक्स, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, सभी जगह माइनस टू एक्स कर लीजिएगा जहाँ नहीं लिखा होगा, माइनस टू एक्स है, हो गया, नोट कीजिए। और थोड़ा तेज बोलेंगे, जो भी पूछना होगा तेज बोलेंगे, चलिए देखते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन वन का एट नंबर, यही ना, वन का क्वेश्चन नंबर देखेंगे एट, देखिए दिखा रहा हूँ, वन का एट नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू दिया है एक्स माइनस टू का होल क्यूब, मैं इसको भी बना दे रहा हूँ, देखिए एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही ना है, लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है वन का, वन मिनट, वन का क्वेश्चन नंबर एट, देखिए क्या क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और क्या है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर और
माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इक्वल टू के बाद एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स माइनस टू का होल क्यूब ये ना है। तो देखिए डैट इम्प्लाइज ये वाला टर्म तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको तीन बार लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे या तो फार्मूला पे बना देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो ये वाला टर्म आपका वैसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ठीक है ना। इसको तीन बार लिख लीजिए, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है तीन बार लिख लेते हैं। अब देखिए तीन बार लिखने के बाद क्या करेंगे, डैट इम्प्लाइज ये वाला वैसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ऐसे कीजिए इसको एक्स को कॉमन कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किया जाए एक्स माइनस टू। अब माइनस टू बचा, इसको कॉमन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू और फिर आपका ये बची गया एक्स माइनस टू, हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, ये वाला टर्म तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वैसे ही रहेगा, इसको इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस था यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा तो टू एक्स लिख देंगे, माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर, ठीक है हो गया। और इधर इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्स माइनस टू पहले से है जो इसके पहले जो बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, ये एक्स माइनस टू बढ़िया से लिख दूं मैं, एक्स माइनस टू ओके हो गया। डैट इम्प्लाइज ये एक्स क्यूब हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब एक्स से इसमें इंटू कीजिए, एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना, इधर तो होगा नहीं स्पेस नहीं है, ऐसा कीजिए आप यहाँ तक नोट कीजिए, वन मिनट में बता रहा हूँ कैसे। अच्छा इसको लिखिए ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना मैं बढ़िया से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस फोर एक्स हो गए, माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो गए, यहाँ पे माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स को बेटर ढंग से बना दिया जाए, एक्स माइनस टू। अब तो जान रहा है टैब है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगा ही, बोर्ड तो नहीं है, ठीक ना, वैसे फिर भी बहुत अच्छे ढंग से मैं लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस हो चुका है। चलिए पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद से मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है नोट कीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद से मैं आगे बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जिनका नोट हो चुका है वो आगे बना सकते हैं, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं आप अपना अगर आगे बनाना चाहते हैं तभी तक बनाइए, मैं बनाऊंगा तो मिला लीजिएगा, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया सारे बच्चों का या नोट हो गया जो भी हुआ, चलिए आगे देखते हैं, नहीं हुआ नोट कीजिए। चलिए इसके अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है।
हो गया। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो एक्स क्यूब जो है आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला वैसे ही अभी रहेगा, इधर वाला, ठीक है, इसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, तो इसको वैसे ही लिखिए। अभी ये हो जाएगा डेट इम्प्लाइड एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वैसे ही रहेगा। इसको क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो x को कॉमन कर लीजिए, x इंटू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है, फिर किसको कॉमन कीजिए, माइनस टू को कॉमन कीजिए, अब उसमें भी मल्टीप्लाई कराइए, तो माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस फोर, हो गया। अब देखिए, अब आगे बता रहा हूँ कैसे क्या करना है आपको, इसकी अब आवश्यकता नहीं है, मिटा दिया जाए। हो गया, चलिए देखिए, डेट इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू, इसको इंटू की कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है इसके आगे माइनस, माइनस हो गया। अब देखिए, माइनस फोर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स से इंटू कीजिएगा तो, अच्छा, अब प्लस हो जाएगा फोर एक्स, माइनस टू से इंटू कीजिएगा तो माइनस टू एक्स होगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखेंगे प्लस एट एक्स, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखेंगे एट, हो गया। अब इसको हमको सजाना है, ठीक है, इसको क्या करना है, सजा देना, डेट इम्प्लाइड एक्स क्यूब वो आपका वैसे ही रहेगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये वाला टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही रहेगा, क्योंकि साइन में अच्छी चेंज ही कर देता हूँ, कलर चेंज करके ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले। चलिए देखिए, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर हो गया क्या, एट फोर एक्स एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स हो गया, अब माइनस एट, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक करके बताया है, वैसे डाउट होगा नहीं, नोट कीजिए। हो गया, नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए, नहीं हुआ, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, आगे देखिए, बता रहा हूँ, नहीं हुआ, आगे देखिए कैसे क्या करेंगे।
चलिए देखिए देखिए इसको करेंगे क्या, हो गया ना। अब देखिए इधर मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये भी सॉरी पेंसिल लेना चाहिए। ये भी आपका कट गया, कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया इधर, उसको लिख लेते हैं। जो बच गया हमारे पास ये वाला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इक्वल टू के बाद देखिए क्या बच गया, ये बच गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व माइनस एक्स। तो ये बच गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस एट, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे क्या कि माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर वाला ले लीजिए तो प्लस में आ जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, हो गया। ये माइनस एक्स ये वाला, इधर से प्लस ट्वेल्व एक्स, ठीक है। तो इधर माइनस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस वन इधर वाला, इधर से आएगा तो माइनस एट हो जाएगा। माइनस एट इक्वल टू के बाद सब तो इधर आ गया तो क्या बचा, जीरो। तो इसको लिख देंगे जीरो, गया। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा, सिक्स में से फोर एक्स हटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, हो गया टू एक्स स्क्वायर। इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस थर्टीन एक्स हो जाएगा, माइनस थर्टीन एक्स माइनस सेवन। इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस सेवन, सब्ट्रैक्ट करना ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया। आ गया तो क्या कह देंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः, वन मिनट पहले देयर फोर करके लिख दें, टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण समीकरण है, हो गया। नोट कीजिए इसको, यही आपका आंसर हो गया। तो वन नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन का, वन से लेकर एट तक हमने सॉल्व कर दिया। इसको घर पे रिवाइज कीजिएगा और इसका एग्जांपल जो क्वेश्चन है 4.1 का उसको बना कर लाइएगा, यही आपका होमवर्क। नोट कीजिए, सारे बच्चे नोट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे बन रहा है ये भी समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो कल देखते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया वो होमवर्क आप लोग बना कर लाएंगे, ओके। नोट, अच्छा नोट नहीं हुआ, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो